तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ध्यान शंकर और आपका इस ब्लॉग में बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूं जो शायद आपने कभी ना देखी हो, और मैं जो बोलूंगा शायद उसे सुनकर आपके कान के पर्दे फट जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, मजाक कर रहा हूं। तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं पेड़ पर लगने वाले आलू, ठीक है। तो आज मैं आपको दिखाकर ही रहूँगा कि पेड़ पर भी आलू लगते हैं। फिलहाल मैंने अपने कुछ दोस्तों को बताया था कि मेरे घर पर जब मैं छोटा था तो एक पेड़ था जिस पर आलू लगते थे। पेड़ पर ऊपर लगते थे, ज़मीन में नहीं, पेड़ पर लगते थे। तो उसने कहा यार ऐसा भी हो सकता है, हमने बिल्कुल था यार। लेकिन अभी जब बारिश हुई 2 महीने में तो मैं इधर आया घूमने के लिए, तो मैंने देखा कि वो पेड़ फिर उगाया और बहुत बड़े बड़े उस पर आलू लग भी आए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। दोस्तों ये है वो पेड़। ये पेड़ देखकर आप तो ये करेंगे, इस पेड़ को देखकर तो आप ये कह रहे होंगे कि ये तो रतालू का पेड़ है, बट ये आलू का पेड़ है। नहीं विश्वास हो रहा तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ और आप ये देखकर आप एकदम आपको शौक लग जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये आलू लगे हुए हैं इस पेड़ पर, तो आप देख पा रहे होंगे ये है आलू का पेड़। यहाँ पे वीडियो इतनी साफ नहीं बन पा रही है लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो ये आलू जो आप देख पा रहे होंगे ये है आलू। दोस्तों ये खाने में सेम टू सेम लगते हैं रतालू जैसे, बट ये हैं आलू, ये पेड़ पर लगते हैं। ये देखिए, ये एक छोटा लगा है और ये बड़े हो गए काफ़ी, और ये भी देखिए बड़ा हो चुका है। तो ये देखिए, ये इधर लगे हुए हैं काफ़ी, ये बिरिया पर पौड़ गए हैं, जो बेर होते हैं ना उस पर पौड़ गए। ये देखिए आलू लगे हुए हैं, ये रतालू का पेड़ है बट लगे इस पर आलू हैं। ये देखिए मैं अभी हटा कर दिखा रहा हूँ आपको, आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों आपको आलू देखकर कैसा फील हो रहा है, आपको खाने का मन कर रहा होगा, तो है ना कभी खिला देंगे आपको ये आलू बनाकर। तो ये देखिए आलू लग रहे हैं। तो ये दोस्तों मैंने करीब 5-6 साल बाद आलू देखे हैं आज, मेरे को भी बहुत खुशी मिली। एक पेड़ ये इधर भी था मगर ये पेड़ हो नहीं पाया, मैंने बहुत ट्राई किया क्योंकि इधर बकरियाँ वगैरह आती हैं, बकरी वगैरह, तो वो खा लेती हैं। ये देखिए एक लगा इस पर भी, काफ़ी लगे हैं, 2-3 लगे हुए हैं। तो मुझे पता कि मेरा काम हो जाएगा एक बार खाने का। तो अभी इतना साफ तो नहीं दिख पा रहा होगा लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ। दोस्तों इसकी सब्ज़ी खाने में इतनी मस्त लगती है मैं आपको बता नहीं सकता, अगर एक बार आप खाएंगे तो आपका मन बार बार खाने का करेगा। अगर जिस किसी को भरोसा नहीं हो रहा है तो जो मेरे गाँव के पड़ोस के हैं या जो मेरे गाँव के लोग देख रहे हैं तो वो आ जाएं और मैं उन्हें दिखा दूंगा कि हाँ आलू पेड़ पर भी लगते हैं। ये खाने में बिल्कुल रतालू जैसा लगता है, रतालू से और भी बेहतर लगता है एकदम, बोले तो लल्लन टॉप, बहुत ही सुंदर लगता है खाने में। और देखिए एक बार मैं अपने साथ इस पेड़ को दिखा दे रहा हूँ तो वरना आप कहेंगे ये क्या हो सकता है, दूसरी क्लिप लगा दी और वॉइस बाद में वॉइस ओवर मार दिया हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन इधर कांटे भी हो प्लस अंधेरा भी हो गया है, अरे बाबा। तो ये देखिए, ये देखिए यही लगे हुए हैं, बड़े बड़े हो जाएंगे जल्द ही उम्मीद है, काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं जी। जब इतने बड़े हो जाएंगे जी, खूब इतने बड़े बड़े आलू जितने बड़े बड़े हो जाते हैं तभी इन्हें आलू कहते हैं। और रतालू तो आपको पता है ज़मीन में ही लगता है, और इसकी एक खासियत और है, एक तो जब ये ख़त्म हो गए, जब ये बेल सूख जाएगी तो एक निकलेगा नीचे करीब 5 से 10 किलो का आलू, बहुत बड़ा, उसे कम से कम आप 4-6 दिन खाइए खूब, 1-1 किलो डेली सब्ज़ी बनाकर। तो ये इसकी सब्ज़ी जो खाने में स्वाद है वो वाकई अमेजिंग है। अगर आप एक बार इसे देखना चाहेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा, प्लस तो मैं थोड़ी बहुत अपनी वीडियो उस पर ही पोस्ट कर दूंगा इंस्टाग्राम पर इसकी फ़ोटो खींचकर। तो अभी तो अंधेरा हो जाता है बिकॉज वो उसमें छाया में है, जिसकी शैडो पड़ रही है इस वजह से वो साफ़ नहीं दिख पा रहा होगा। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर भटकते भटकते आ गए हैं या नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए फिलहाल इतना ही।